दोस्तों आज हम आपको आमों की राजधानी मलिहाबाद में लेके चलने वाले हैं, जो यहाँ से लगभग आप देख सकते हैं ये मलिहाबाद, ये 28 किलोमीटर दूर यहाँ से है यानी लखनऊ से। वहाँ हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे आम के पेड़ के बारे में जहाँ एक ही पेड़ पर 300 किस्म के आम पाए जाते हैं। तो आइए हमारे साथ और चलिए मलिहाबाद। तो दोस्तों फाइनली हम मलिहाबाद के उस पेड़ पर आ चुके हैं जिसका हमने कहा था लखनऊ में, और ये हमारे साथ जनाब हाजी कलीमुल्ला साहब मौजूद हैं। ये जो पेड़ के मालिक हैं, और यही वो पेड़ है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाइए, ये देखिए कितना मोटा पेड़ है। हाजी साहब ये कितना पुराना पेड़ है? ये 100 साल से ऊपर है। 100 साल इसी पेड़ पर सन 1987 से हमने इस काम को शुरू किया, क्योंकि जो पेड़ हमने शुरू किया था वो तो सूख गया था बचपन में, सन 60 में ही सूख गया था। उसके बाद वो दिमाग में पेड़ हमारे बढ़ता रहा, ऐसे थे नहीं, नई जगह ऊसर में गए, बड़ी परेशानियां साथ में उठाई हमने, चलते हम लोग देखते भी रहते हैं, बहुत परेशानियां हमने उठाई। लेकिन सन 1987 से हमारे एक अजीज भोपाल में है, वो अब चले गए, वो हमको ये पेड़ ये बाग अपना दे गए थे, और पैसे भी ना होने के बाद कर्ज दिया था जो हमने धीरे धीरे दिए ले लिए। तो ये वाला जो आम है जी, इसका क्या नाम है? ये आमीन मोहम्मद नगर है। अच्छा जी, ये आमीन मोहम्मद नगर है। अब असल में सही मानों में हमें खुद नाम नहीं याद रहते हैं, अब हम जाते हैं भूल, अब हमारी उम्र जो है वो आइए वो नहीं रही। चलिए बात करते करते चलते हैं। आइए ये देखिए, ये तो अच्छा खासा बड़ा सा है। अरे ये बहुत बड़ा होता है। क्या नाम, इसका नाम क्या है? ये है आमीन लांबा। साइज में, सूरत शक्ल में, सब चीज़ में फ़र्क होता है। अच्छा, आम जो है ये इंसानों की 100% सिफत रखता है। ये एक ऐसा दुनिया में फल है जो इंसानों की सिफत रखता है। अब ये देखिए, ये एक आम अलग है, ये देखिए दो आम। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये दिखाइए ये कौन सा आम है? ये देखिए ये तो बड़ा, ये कौन सा आम है, इसका क्या नाम है? मुझे नाम खुद भी मैं भूल गया। आमीन कूदा है शायद ये। ओ, बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट नाम है, लेकिन आम बड़ा खूबसूरत से लग रहा है। मतलब मुझे लगता है बहुत ही लजीज और जायका होगा, जायकेदार होगा। बहुत खूबसूरत आम है ये, और खाने में बड़ा लजीज आम है। देखिए इसी पेड़ पर, असली पेड़ यही, इसी पेड़ पर ही हमने तमाम ग्राफ्टिंग जो की है जी, वो नस्ल यही है। इस आम का नाम है असल मुकर्रर। अच्छा, असल मुकर्रर, हाँ, मतलब जैसे मुशायरों में राज कहता है मुकर्रर इरशाद, तो ये वो है। ये दिल की बनावट का भी है। तुम ये जो काले हो गए वो जो ऊपर लगे हैं दो साल, दोबारा बताइए। असल मुकर्रर, हाँ, असल मुकर्रर जिस तरह मुशायरों में कहते हैं, हाँ, मुकर्रर इरशाद, फिर कहो शेर, मतलब ये इतना, और ये इतना ही अच्छा है, खाने में भी उतना ही अच्छा। देखो ये यहाँ पर ये साफ है आम, ये वाला, ये देखो ये कुछ ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। इसका ले लो, ये देखो, ये असली मुकर्रर है, ये असली मुकर्रर है, ये दिल की शक्ल में, हाँ, दिल। ये इसराइल की सन 87-88 में आई थी कोई इसराइल से औरत, तो उन्हीं ने सीने पर हाथ रख के कहा कि ये दिल की बनावट का है। तो हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये हम चलते चलते इस तरह आइए। अब अंदर, अब की अफसोस ये है कि फला कम है बहुत। ये आम देखिए, ये आम गुदर शाह बाबा का है। ये उन्नाव ज़िले में एक फ़कीर थे जो गुदर शाह में बने रहते थे, उन्हीं ने खा के कुछ फेंका था, तो ये वहाँ इतना मज़े का हो गया, तो उन्हीं ने इस आम का नाम उन्हीं के नाम से गुदर शाह रख दिया। ये क्या है? ये इसका नाम अब याद आएगा तो बताएँगे। अरे अब हमारी तो याददाश्त इतनी ख़राब हो गई है। बहुत खाने में बहुत अच्छा, बड़ा खुशबूदार आम है ये। ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है कि एक ही पेड़ में ग्राफ्टिंग के माध्यम से ऑलमोस्ट 300 से जायद, 300 से अधिक। सही मानों में ये एक पेड़ है, और जब ये फला हो तो आप देखेंगे 100 किस्म का आम लगा तो आप सोचेंगे ये क्या है, पेड़ ही नहीं है, बाग है। और अगर आप इसको अक्ल से, दिमाग की आँखों से देखेंगे, दिमाग से सोचेंगे, तो आप ये सोचेंगे कि ये दुनिया का आमों का कॉलेज है। एक पेड़ पर 10,000 भी आम की वैरायटियाँ जोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे बड़े पेड़ हैं, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार शाखें हैं। इसी पेड़ में 10,000 शाख होगी, तो हर शाख में एक एक पेड़ जोड़ा जा सकता है। देखो वो शाख जुड़ी हुई है कि ये बीच में ये इसका किनारा है, ये अलग वैरायटी है, ये इसके अंदर चीरा लगा कर रख दी गई, इसको टेप कर दिया गया होगा, इसको टेप कर दिया, लेकिन इसका
थोड़ा सा कारनामा ये है कि इसे काटने में ये होना चाहिए कि ये इतना साफ कटे कि इसमें तिरछापन न हो तो हवा न जा सके और तो बिल्कुल सही बैठ जाता, आसानी जुड़ जाता। तो कैसा लगा यहाँ आकर के? पहली बार तो आए हैं क्या? हाँ, पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। तो ये बेसिकली ये कह सकते हैं आमों का कॉलेज कह रहे हैं सर। हाँ, ये आमों का कॉलेज है, खजाना है एक तरह से आमों का। हर वैरायटी मिलेगी यहाँ। ये अलग आम है, राम केला है। एक इसको दिखाइए, ये देखिए एकदम गोल सा। ये राम केला है, अचार, अचार के लिए ये बहुत ही कामयाब आम है। एक साल अगर बना लिया जाए तो 10 साल तक भी आप रख सकते हैं। बहुत ठोस है ये तो क्रिकेट के बॉल की तरीके से है, बहुत गोल गोल सा। बहुत गोल है। इसका नाम बताइए सर। ये अब नाम मैं भूल ना, लड़के से पूछ लेना, बता देगा। कोई बात नहीं, इसको ले लीजिए। ये नया एक कह सकते हैं कि उसी पेड़ में एक नया ग्राफ्टिंग किया गया। ये पूरा सुर्ख हो जाता है, सब अलग। ये भी एक अलग आम दिख रहा है। तो आप ये देखिए, एक पेड़ है कहने को, लेकिन एक पेड़ नहीं बल्कि जैसा कि सर ने बताया, ये पेड़ों का एक कॉलेज है, कह सकते हैं आम का कॉलेज है ये। ये देखिए आप, हम बात ही कर रहे हैं कलीमुल्ला साहब से और लोगों के मिलने का भी सिलसिला है। ये भी अद्भुत बात है कि एक ऐसे व्यक्ति जो मलिहाबाद लखनऊ से की चकाचौंध से थोड़ी सी दूर, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ भी लोग ढूंढ ढांड करके, खोज खाज करके चले ही आते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आम के ही माध्यम से आते हैं, बल्कि ये अपने आप में सर का एक नाम है, क्योंकि पद्मश्री हैं, 2008 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। उस वक्त की जो तत्काल प्रेसिडेंट थी, उनका नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था, उन्होंने सर को सम्मानित किया था पद्मश्री से। एक ऐसा व्यक्ति जो हाई स्कूल भी नहीं क्रॉस किया है, उसके बावजूद भी लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, इच्छुक हैं, तो इससे पता ये चलता है कि आपके जो हुनर है, आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो सलाहियत है, वो कहीं सर्टिफिकेट और डिग्रियों के बीच नहीं रहती है। आप अगर गूगल पर सर्च करिए तो मतलब एक कह सकते हैं एक सिलसिला, दर्जनों कॉलम्स आ जाते हैं, हाजी कलीमुल्ला, मैंगो मैन, ना जाने सो एंड सो। तो आज पहली बार मैंने भी इनसे मुलाकात की, कई बार मैं मलिहाबाद आया हूँ, लेकिन पहली बार इनसे मुलाकात की। ही इज सो सो इंस्पायरिंग दैट यू डोंट नीड अ डिग्री टू अकम्प्लिश समथिंग इन लाइफ। मतलब आपको कुछ भी ज़िंदगी में अगर अच्छा करना है तो आपके पास बस एक मकसद होना चाहिए और डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। एग्जैक्टली, दैट इज़ अर्लियर आई टोल्ड यू। सो मैम आप बताइए कहाँ से तशरीफ लाई? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, अभी लखनऊ, क्या नाम है? रीना से। रीना जी क्या करती हैं लखनऊ में? जावेद हबीब एकेडमी चलाती हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा दोस्तों बता दूं कि देखिए, काम चाहे कितना भी छोटा हो, अगर उसको बड़े पैमाने पर कर दिया जाए तो वो बहुत ही रोमांचक हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि कोई अगर नाच रहा है छोटे पैमाने पर तो उसको नचनिया कहते हैं, लेकिन अगर वही बड़े पैमाने पर हो जाता है तो सलमान खान, शाहरुख खान हो जाता है। इसी तरीके से क्या बात है, अभी बहुत सही कह रहे हो भाई, सही कह। इसी तरीके से अगर छोटे पैमाने पर कोई बाल बनाता है तो उसको नाई या हज्जाम कहते हैं, और बड़े पैमाने पर वही काम करने लगता है तो उसको जावेद हबीब कहते हैं। यानी आप सोचिए कि छोटे और बड़े पैमाने पर कितना फर्क होता है। तो मैम महसूस हो कि इनके बाग बहुत अच्छी है, तो पद्मश्री मिला तो वही देख लिया। ओके, आप कभी इनके घर भी जाइए सर के। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर के घर अगर आप जाएंगे तो मेहमान नवाजी के साथ साथ आपको कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। ओके, दो से मिलकर एक इंसान नया बना। आज इंसान दो एक पूरी दुनिया में नहीं है। इसी तरह से कुदरत ने इस फल में ये सिफत दी है कि पेड़ आपका 5,000 आम है उसमें। आम तो वही है, सूरज शक्ल मज़ा एक है, और 5,000 जो बच्चे हैं उसके अंदर, इसको गुठली हम आप कहते हैं, वो बच्चे हैं, उनको आप अगर ज़मीन में बो देंगे तो सब 5,000 पेड़ निकल आएंगे, और 5,000 आम और सूरज शक्ल खुशबू मज़ा सबका अलग होगा। ये और मगर अफसोस ये है कि आप हमारे डॉक्टर खड़े हैं PGI के, ये लोग सब सो रहे हैं। आप यकीन कीजिए, पूरी दुनिया सो रही है, कोई सोच ही नहीं रही कि आम क्या चीज़ है। आम को फलों को राजा करके छोड़ दिया। ग्राफ्टिंग के ज़रिए से इसी एक पेड़ पर 300 से अधिक पेड़ उन्होंने तैयार कर दिए, और हाजी कलीमुल्ला साहब का ये कहना है कि सबका जायका अलग है, लज्जत अलग है, छिलके अलग हैं, रंग रूप अलग है, शक्ल सूरत अलग है, और उसकी बनावट अलग है, यानी सब कुछ अलग अलग है। अगर आप ये देखना चाहें, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये बेसिकली अगर आपको यहाँ पर एक कोई कलम लगाना हो तो यहाँ पर इसको चीरा मारिए और एक नए पौधे को यहाँ पर लगा करके टेप कर दीजिए, बस एयर प्रूफ हो, ये याद रखिए, एयर प्रूफ हो, यानी उसमें हवा का पासिंग ना हो। उसके बाद में ये बन करके तैयार हो गया, और जब एक बार बन करके तैयार हो गया तो अब इस डाली से जो आम निकलेगा वो कुछ और होगा, और इससे जो निकलेगा वो कोई दूसरा होगा, यानी एक तरीके से इसकी प्रजाति बदल गई। तो ये होता है ग्राफ्टिंग, इसको कहते हैं कलम करना। ये आपने जो मोदी साहब के नाम से, अमित शाह जी के नाम से, मुलायम सिंह के नाम से, अखिलेश यादव के नाम से, ऐश्वर्या के नाम से, और इस तरीके से सचिन तेंदुलकर के नाम से ये जो आम आपने बनाया है, ये मुझे ज़रूर दिखाइए और हम एक एक चीज़ को देखना चाहेंगे। और ये आपने जो खासतौर से डॉक्टर की बात कही, ये हमें डॉक्टरों से भी पूछेंगे कि आखिर इसमें आपको किस एंगल से। उन्होंने एज ए ट्रिब्यूट करके रखा है कि
आज नहीं तो कल इंसान तो चला जाएगा, लेकिन ये फल ऐसी चीज है ये हमेशा रहेगा, याद रखा जाएगा। जैसे सचिन के नाम से रखा गया, ईश्वर नाम के नाम से रखा गया, आज नहीं तो कल इंसान है खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनका नाम जो है वो आम के जरिए नहीं कि हमेशा दुनिया तक रहेगा। जब तक दुनिया है तब तक रहेगा, वो उनका मकसद था। ये देखिए हाजी कलीमुल्ला साहब का ये आम है, ये आप देखिए, इसको कहते हैं सचिन आम। ये लगभग कहा जाता है कि 1 से 1.5 किलो का आम होता है, इसका वजन होता है। आइए देखते हैं ऐश्वर्या। आम देखेंगे खाएंगे तो आप सोचेंगे ये वो ऐश्वर्या है जो भारत की सबसे खूबसूरत दुनिया में जिसका नाम बना था। ये पिंक पिंक लग रहा है कहीं, ये बहुत लाल होता है, इसके कलर की वजह से तो नहीं आपने उसका नाम ऐश्वर्या? नहीं नहीं, इसकी है खूबसूरती बहुत है। तो सलमान खान का भी नाम होना चाहिए कहीं। सलमान खान इतने खूबसूरत नहीं है। इसी आम का नाम रखा है हमने डॉक्टर। ये देखिए ये डॉक्टर आम है, आप ये देखिए कितना बड़ा बड़ा आम है। यहाँ से पकड़ लीजिए, यहाँ से। अच्छा अच्छा, इसको ऐसे पकड़ा जाएगा। ये देखिए थोड़ा क्लोज करके दिखाइए, ये देखिए एक इस बहुत ही फाइन क्वालिटी है। और अगर आप ये देखें, ये देखिए कितना शानदार, आप चारों तरफ देख लीजिए तो एक आम के पेड़ों का एक तरीके से पूरा सिलसिला है, लंबा छोटे बड़े ग्राफ्टिंग के साथ और फुल फ्लेश्ड में हर तरह के आम के पेड़ आपको यहाँ मिल जाएंगे, अमरूद के मिल जाएंगे, नाशपाती के मिल जाएंगे, यानी कई तरह की चीज़ें हैं। यह हाजी कलीमुल्ला साहब अपने आप में एक समंदर हैं और कह सकते हैं कि वो बहुत ही अलग अलग तरीके से आम की खिदमत कर रहे हैं। दोनों तरफ आप दिखाइए, मैं कैमरा मैन से कहूँगा चारों तरफ दिखाइए, चारों तरफ ही देखिए, पूरा चारों तरफ आम के पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं। हम इस वक्त आमों की राजधानी मलिहाबाद के एक उस हिस्से पर मौजूद हैं जहाँ चारों तरफ आपको आम के बागीचे दिखेंगे, आम ही आम लगा दिखेगा, चाहे वो अलग अलग तरीके के आम हों जो हाजी करीमुल्ला साहब ने लगाए हैं। चलिए ठीक है, ये तो नरेंद्र मोदी के नाम से ये पेड़ डिबूट कर दिया गया है, उसमें इक्का दुक्का आम, एक तरीके से बांझ पेड़ कह सकते हैं इसको। तो ये अखिलेश यादव का पेड़ है, मैं कहूँगा दिखाइए उसके मिले में है। ये देखिए उसके मिला हुआ, ये जो पीला वाला आम देख रहे हैं उसके बगल का जो पेड़ है ये अखिलेश यादव के नाम से रखा गया है। बड़ा खूबसूरत आम है, बहुत ही खाने में मजे का, उनको खिलाया भी, अखिलेश को खिला चुके हैं। अच्छा अच्छा, अखिलेश यादव आए थे यहाँ? हाँ, यहाँ वो देखो फोटो, ये मगर फोटो ये यहाँ का नहीं है। ये फोटो ये जब मुख्यमंत्री बने हैं वहीं बगल में योगी आदित्यनाथ जी भी दिख रहे हैं। हाँ, वो भी साथ में वो आए। अच्छा। ये इनका फोटो नुमाइश में लिया था। अच्छा अच्छा, इनको आने का ही वादा किया था तो जिनके लिए बताया उनसे मिले हम। हाँ। मिल ही नहीं पाए, इतने मसरूफ थे, तो फिर हम गए नहीं। अब हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम दौड़े दौड़े थे।